ये जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं उनको फूलों का सिंजारा किया जाता है, फूलों के जेवर पहनाए जाते हैं जिसे हम सिंजारा कहते हैं, जो कि कल हुआ है। और आज जो हो रहा है वो हम लोग पूरा तीजों का त्यौहार मना रहे हैं। तीजों का त्यौहार मतलब तीजों के गाने गा रहे हैं, उस पर डांस कर रहे हैं, ऐसे पूरा एक ग्रुप बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। खत्री महिला समिति ने उमंग और उल्लास से मनाया तीज उत्सव। हरे रंग के लहरिया परिधानों के साथ हरी ज्वेलरी पहनकर नृत्य गीत संगीत का लिया आनंद। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया पर रविवार को हरियाली तीज महोत्सव के आयोजन परवान पर रहे। इसी कड़ी में जयपुर रोड स्थित एक होटल में खत्री महिला समिति के द्वारा तीज उत्सव बड़े उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। समिति की नीता टंडन, प्रीति टंडन और श्वेता ने बताया कि 2 साल कोरोना काल की वजह से तीज उत्सव नहीं मनाए जा सके, लेकिन इस साल कोरोना नहीं है तो सभी उत्सव और त्यौहार बड़ी धूमधाम उमंग और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। अजमेर शहर में रहने वाले समस्त खत्री समाज की महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं ने इस उत्सव में हरे वस्त्र, हरा लहरिया, हरी ज्वेलरी पहनकर हिस्सा लिया है और गीत संगीत नृत्य के साथ विभिन्न मनोरंजक गेम्स भी खेले, जिनमें म्यूजिकल प्रोग्राम, हाउजी सहित अन्य खेल काफ़ी मनोरंजक रहे। इसके अलावा तीज क्वीन का चयन भी किया गया है, जिसका परिणाम भी जारी होगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 20 वर्षों से खत्री महिला सभा द्वारा इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें समाज की सभी महिलाएं युवतियां बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। तीज उत्सव के समापन पर सभी महिलाओं ने स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी लिया। आज ये जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं उनको फूलों का सिंजारा किया जाता है, फूलों के जेवर पहनाए जाते हैं जिसे हम सिंजारा कहते हैं, जो कि कल हुआ है। और आज जो हो रहा है वो हम लोग पूरा तीजों का त्यौहार मना रहे हैं। तीजों का त्यौहार मतलब तीजों के गाने गा रहे हैं, उस पर डांस कर रहे हैं, ऐसे पूरा एक ग्रुप बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। और ये खत्री महिला सभा का आज से नहीं 20 सालों से चल रहा है और काफ़ी टाइम से मनाते आ रहे हैं। आज मतलब हमें 25 साल हो गए मनाते मनाते, यहाँ बहुत टाइम से मना रहे हैं। और कार्यक्रम का आयोजन किया है और कहाँ पर किया है? तीज का त्यौहार का आयोजन किया है और ये हमने केसी इन में किया है और यहाँ हमारे होस्ट वगैरह हैं, काफ़ी उन्होंने मेहनत करी है। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है यहाँ? सारे गाने बजाने का डांस वगैरह हुआ है और यहाँ तीज की क्वीन कौन है ये भी अभी सेलेक्ट किया जाएगा कि हु इज़ द क्वीन ऑफ तीज, तो उसको अभी सेलेक्ट करके उनको प्राइज मिलेगा। और हाउजी खेली गई यहाँ, डांस किए गए यहाँ, तीजों के गाने गए यहाँ और बहुत ही अच्छी तरीके से वेल ड्रेसअप होके सभी जने आए हैं एंड वेरी नाइस। ये कार्यक्रम हरियाली तीज का अजमेर के पूरे खत्री समाज की महिलाओं के द्वारा मनाया जा रहा है और चूंकि कोविड चल रहा था तो 2-2.5 साल बाद ये त्यौहार आया है, जब तो कोविड के भय से मुक्त होकर सारी महिलाएं उस उल्लास और उमंग के साथ ये त्यौहार मना रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सब हरे हरे वस्त्र परिधान में हैं, आज जो हरियाली तीज है उस चीज़ को सार्थक कर रहे हैं। आज हम खत्री महिला समिति की तरफ से हमने तीज का हरियाली तीज का त्यौहार हम मना रहे हैं। यहाँ हमारे पूरे समाज की औरतें हैं, कन्याएं हैं, सब सज सवर के आई हैं, 16 सिंगार करके आई हैं। इसमें सारी महिलाओं ने हरे रंग की साड़ियाँ एवं हरे रंग के वस्त्र धारण करे हुए हैं। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने धूमधाम से मनाया है, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारे गेम रखे थे, गेम खेले हैं, हाउजी खेली है, महिलाओं ने नाचा है, डांस करके अपने उत्साह को मनाया है, इस त्यौहार को बहुत उत्साह पूर्वक मनाया है। श्वेता।